को मैं कैसे फोड़ती हूँ? ये दरवाजे पास। हाँ बेटा तेरे ही आइडिया है, दरवाजे में मैं लटकाया, ऐसे फोड़ा और ऐसा आसानी से निकल गया। ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 8 बज गए हैं और आज तो संडे है तो बच्चे लोग सो रहे हैं। अभी मैं नहीं उठाई हूँ क्योंकि हर दिन उन लोग 6 बजे उठ जाते हैं, तो मैं सोची चलो आज सोने दो। तो अभी 8 बज गए हैं तो अभी मैं अपना शेक बनाऊंगी क्योंकि हम लोग का ब्रेकफास्ट तो शेक ही है। तो अभी किट्टू के पापा नहीं आए हैं, अभी आ रहे हैं रास्ते में, तो उनके लिए भी मैं बना देती हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी है, सैंडविच, क्योंकि सुबह स्कूल जाता है तो बहुत कम बना पाती हूँ। कहाँ गई किट्टू, कहाँ गई? अरे मांग के यहाँ पे छिपी हुई है तुम, प्रैंक करती मेरे से सुबह सुबह। चलो अरे इसके ऊपर नहीं बेटा, यहाँ पे ले लो सॉस, ले लो सॉस। मम्मी क्या कर रही है असलियत में? क्या करूंगी, सब गंदा करके रखती है पूरा घर, कुछ भी उसे हटाते जाओ उन लोग कुछ भी कचरा करके रखते जाएगी। मुझे दिखा रही क्या कर रही है? अरे मैं तो आज खेलने नहीं गई, मैं तो शाम को जाऊंगी क्या सुबह रात को, मैं सोच रही हूँ। मेरे दोस्त लोग तो साइकिल चला रही है। A few inches later. आज तो 2:45 हो गए हैं लंच में, क्योंकि आज संडे था तो मैं पूरे किचन को सफाई करने लगी। तो आज तो 2:45 हो गए हैं लंच में, थोड़ा लेट हो गया है। वेद तो खा चुका है, किट्टू से पूछ लेती हूँ, किट्टू किट्टू खाना है तुमको? ए वो सिवरील दिखने में रहती है खाना है। और पापा तो अभी सो के उठे हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है रोटी दाल चावल बनाओगे तो ऐसे ही खाना नहीं खाना है, अभी रोटी दाल में उसको बना खा रहता है। हाँ शिमला मिर्च की सब्जी भी है। ओके तो आज का लंच में शिमला मिर्च की सब्जी है सुबह वाली, वो चोखा था, सैलेड है, दाल है, वो पीनट पाउडर मिक्स करके मैं सब्जी बनाई हूँ शिमला मिर्च का। चलो उठो, वेद तो खा पी के सो गया क्योंकि ट्यूशन जाना है उसे 4 बजे सो गया। उठो, अरे तुम तो उठो, ले पकड़ो। 5:30 हो चुके हैं अभी शाम का, और बच्चे लोग लिए दूध दे देते हैं क्योंकि वेद तो ट्यूशन गया है अभी, तो अभी तो उसे मैं नहीं दूंगी, किट्टू को दे देती हूँ। और हम लोग अपने लिए चाय बना रहे हैं, हम लोग अपने लिए चाय बना रहे हैं और किट्टू के लिए दूध है, दे देती हूँ। लो दूध लो। अरे देखो बहुत अच्छे से घोली हो, पीयू तो पहले, देखो इतना सारा भी बर्बाद हो जाएगा। उठ जाओ, उठो जल्दी उठो। रात का 8:30 हो गए हैं और डिनर टाइम तो हो चुका है, तो आज का डिनर देख सकते हैं। दोपहर में सब्जी बनाई थी शिमला मिर्च और पीनट पाउडर का मिक्स करके सब्जी, रोटी, और बच्चों लोगों के लिए है चीज पराठा, तो दे देती हूँ। अखरोट को मैं कैसे फोड़ती हूँ? दरवाजे पास। हाँ बेटा तेरे ही आइडिया है, दरवाजे में मैं लटकाया, ऐसे फोड़ा और ऐसा आसानी से निकल गया। बहुत भयानक आवाज आता है इसमें से। अभी रात का 11:15 हो गए हैं और कल तो मंडे है तो बच्चों लोगों का स्कूल है, तो आज ही मैं थोड़ा कुछ कुछ तैयारी कर दी हूँ, उस लोगों का बुक्स भर दी हूँ, ड्रेस वगैरह अच्छे से सबमिट कर रख दी हूँ, और अखरोट भी अच्छे से तोड़ ली हूँ। अखरोट तो मैं दरवाजे से तोड़ती हूँ क्योंकि हाथ से तो टूटने वाला नहीं है वो, तो अच्छे से आसानी से निकल जाता है दरवाजे से तोड़ने पर। अभी भिंगो दी हूँ पानी में, कल उन लोगों को दूंगी खाने के लिए। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए। अभी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए। बच्चे लोग का स्कूल टिफिन में भिंडी की सब्जी है और पराठा है। किट्टू रेडी हो गई है, स्कूल जा रही है, कड़ी पत्ता है, कितनी हरी बड़ी हो गई है। उसके पापा भी ड्यूटी से आए हैं,
हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 7:25 हो गए हैं और बच्चे लोग स्कूल चले गए, और किट्टू को तो भी मैं पहुंचाने वाली थी, रेडी भी हो गई थी, तब तक उसके पापा ड्यूटी से आ गए, फिर उसे लेके गए, तो अब दोनों बच्चे तो स्कूल चले गए। तो अब झाड़ू दे देती हूँ जो अपना काम है डेली का, फिर 8 बजे हम लोग का ब्रेकफास्ट टाइम होता है, तो फिर अपना शेक बनाऊंगी, फिर पीऊंगी। ब्रेकफास्ट रेडी है, शेक दे देती हूँ किट्टू के पापा को। बच्चे लोग तो स्कूल से आ गए हैं, और किट्टू की तो बहुत तबीयत खराब हो गई थी स्कूल में, बोल रही मामा उल्टी उल्टी की हूँ, तो देखती हूँ अभी कुछ खाती कि नहीं खाती है। और उसके पापा तो खा चुके हैं, रोटी सब्जी खाए हैं, ऐसे चावल में बनाए थे, लेकिन उनको मन हुआ रोटी सब्जी खाने का, तो खा चुके हैं। और वेद को दे देती हूँ। आज के लंच में दे सकते हैं, चावल है, दाल है, और बैंगन की भाजी है, ये ऑयल की भाजी है, चटनी है, सैलेड तो हमेशा रहता है। और बच्चों लोग के लिए रोटी है, बस पता नहीं किट्टू सब्जी खाएगी नहीं खाएगी, उसका तो नखरा ही रहता है। आज तो किट्टू की तबीयत खराब गई थी स्कूल में, कैसे सुस्त पड़ गई है, पानी अच्छे से नहीं पीती है ना, इसके लिए से उल्टी उल्टी होता है। चलो खा लो, चलो अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो। आपका 6 बज गया है, और किट्टू को दूध दे देती हूँ, वेद तो खेलने गया तो आएगा उसके बाद में दूध दूध। किट्टू दूध लो, किट्टू की फ्रेंड आई है। आज तो किट्टू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। मामा जी, क्या हुआ? खाना बन गया। भूख लग गई क्या? खेलते 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 भूख लग गया। बस बन गया है। क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? जो भी बना रही हूँ तुम्हें तो अच्छा लगेगा नहीं? अच्छा लगेगा ना। ठीक है, तुम तो हर खाने में ऐसे ही करती हो, नहीं खाना नहीं खाना। ठीक है, चलो डिनर तो बन गया है। अभी किट्टू को भूख भी लगी है, बड़बड़ा के बोल रही मम्मा खाना बना, क्या बना क्या, दे देती हूँ उसे। उसके पता नहीं आज पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। उसका डिनर में रोटी है, जो रोटी अभी मैं बनाई हूँ। दोपहर में मैं सब्जी बनाई थी, चटनी बनाई थी, बस वही है, दे देती हूँ किट्टू को। अभी रात का 11:30 हो गए हैं, और बच्चे लोग तो सो गए, किट्टू जल्दी सो गया क्योंकि स्कूल से जब आई तब से बोल रही थी कि पाँव में दर्द है, तब उसे पेन किलर दी, तब जाके थोड़ा उसे राहत मिली, तो बहुत थकी हुई थी सुबह से। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।